वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ एक पर्पल हॉल शेयर करने जा रही हूँ। पर्पल पर चल रही है गेट गॉर्जियस सेल। तो आप वहां से जो भी आपको पसंद आए वो अच्छे डिस्काउंट पर बाय कर सकते हैं। तो मैंने वहां से दो बॉक्सेस मंगाए हैं, एक ये और एक ये। तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैंने वहां से क्या क्या परचेज किया है और उसकी क्वालिटी क्या क्या है। छोटा सा एक रिव्यू शेयर कर रही हूँ। तो फर्स्ट मैं आपको ये जो छोटा सा बॉक्स है इसका दिखाती हूँ। मैंने कुछ मेकअप और स्किन केयर मंगाया है। ये है बायोटिक का बायो एप्रिकॉट रिफ्रेशिंग बॉडी वॉश। तो ये 100% सो फ्री है। बायोटिक के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो आयुर्वेदिक होते हैं और क्रुएल्टी फ्री होते हैं और अच्छे होते हैं, तो आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये बॉडी वॉश मैंने यूज़ किया है, ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा, तो मैंने सेकेंड बॉटल मंगाई है सभी के लिए। तो एक ये है और बॉडी वॉश मैंने काफ़ी शावर जेल ये सब काफ़ी सारे मंगा लिए हैं। और ये नीविया का है, ये मंगाया है मैंने, वाटर लिली एंड ऑयल शावर जेल। और ये अच्छे से बबल रैप में, ऐसे बबल रैप में आते हैं, पैकेजिंग बहुत अच्छी होती है और हमारा जो प्रोडक्ट होता है उसे कोई हार्म नहीं होता। पर्पल की पैकेजिंग अच्छी होती है तो आपको दिख रहा हो। तो ये है डर्म डॉग का एंटी एक्ने फेस वॉश विथ सैलिसिलिक एसिड। ये मैंने अपने भाई के लिए मंगाया है, उसके एक्ने बहुत ज्यादा निकल रहे हैं इस टाइम पर, तो इसलिए मैंने ये फेस वॉश उसके लिए मंगाया है। देखते हैं कैसा वर्क करता है, फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं। तो ये फर्स्ट वो है बॉक्स है, इसमें एक फेस वॉश और था वो यूज कर चुका है, इस वजह से मैं आपको नहीं दिखा रही। और मैं अनबॉक्सिंग पहले ही कर चुकी हूँ, बस खाली मैं आपके साथ छोटा सा एक रिव्यू शेयर कर रही हूँ जिससे कि टाइम ज्यादा ना वेस्ट हो। एक ये भी है बबल रैप में, ये भी शावर जेल है नीविया का। नीविया के एक्चुअली मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं और बायोटिक के भी अच्छे होते हैं यूज करने में, बॉडी आपकी सफल रहती है, कोई ड्राइनेस नहीं होती। ये है शावर जेल फ्रेंगीपिनी एंड ऑयल, फ्रेंगीपिनी ऑयल। तो एक ये था, खुली नहीं रहा, दूसरा दिखा देती हूँ। तो मैं वन बाय वन आपको जो भी मेरे हाथ में आता जा रहा है वो मैं आपके साथ शेयर करती जा रही हूँ, कोई ऐसा नहीं है कि सीक्वेंस से। तो ये है, ये NYBay का कॉम्पैक्ट है, NYBay का लेजेंड वेट फॉर इट डेयरी कॉम्पैक्ट, SPF 40 के साथ आता है। ये बहुत रीजनेबल है और बिगिनर्स हो या जो भी अफोर्डेबल मेकअप चाहते हो, बजट फ्रेंडली मेकअप और अच्छी क्वालिटी के, तो आप पर्पल से जाके जरूर परचेज कर सकते हैं। वहाँ के जो प्रोडक्ट्स होते हैं मुझे उनकी क्वालिटी बहुत A1 लगती है, बहुत अच्छी क्वालिटी होती है, हाई क्वालिटी में आपको चीप प्राइस में आपको अच्छे प्रोडक्ट्स रिसीव हो जाते हैं। तो आप वहाँ से ज़रूर ट्राई कर सकते हैं, वहाँ पे सेल चलती रहती है, आप अच्छी क्या कहते हैं प्राइस में, अच्छे मनी में अच्छे प्रोडक्ट ले सकते हैं डिस्काउंट के साथ। तो ये है हमारा, ये इस टाइप का दिखता है, ब्लैक कलर का। और इनके पर्सनली एक एक प्रोडक्ट के रिव्यू मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करती जाऊँगी यूज़ कर करके। कुछ प्रोडक्ट्स तो मैंने यूज़ भी करे हैं। तो ये रहा, तो ये कुछ इस टाइप का है, तो ये जो कॉम्पैक्ट है बहुत सॉफ्ट है, बहुत अच्छा है और इसमें आपको SPF 40 भी मिलता है, तो आप ले सकते हैं, इसको जरूर ट्राई करें। अगर आप सनस्क्रीन लगाना पसंद नहीं करते हैं, सनस्क्रीन तो मस्त होता है वैसे, तो आप ये ले सकते हैं, इसमें SPF 40 भी है। तो जो सेकेंड प्रोडक्ट है हमारा वो मेरा बहुत फेवरेट है और मेरी जो सिस्टर्स हैं उन्हें भी बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए, ये है NYBay का एलिस आईलैंड आईलाइनर। ये एक वाइब्रेंट ब्लू कलर है और बहुत ही अच्छा पॉपअप होता है आईज पे, आप इसे फेस्टिवल में या फिर किसी पार्टी में जरूर ट्राई करें, बहुत ही अच्छा लुक देता है, आई मेकअप बहुत अच्छा हो जाता है इससे। अगर आप ज़्यादा कुछ नहीं करना चाहते तो बस इससे आईलाइनर आई विंग बना लीजिए और बहुत ही अच्छा लुक आएगा। मैं आपको इसका स्वेच करके दिखाती हूँ। लॉन्ग लास्टिंग भी है, वाटरप्रूफ है, अच्छा है, ड्राई हो चुका है और इसमें हल्की सी शीन है, आप देखिए मैट है ये बट इसमें हल्की सी शीन है, एक बहुत ही बहुत अच्छा कलर है।
तो जो सेकंड आईलाइनर है मैंने एक और कलर्ड आईलाइनर मंगाया है NYB से ही, ये है ग्रीन कलर का, ग्रीन मोस। और हाँ उसका शेड नेम था उस ब्लू वाले का, ब्लू लगून 2, और ये ग्रीन मोस 3। इसमें ब्लैक भी आता है, वो भी ले सकते हैं। और ये ग्रीन वाला तो मैं फर्स्ट टाइम ले रही हूँ, आई मीन मैंने परचेज किया है, वो फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ। ब्लू वाला तो मैं एक बॉटल दो बॉटल ख़त्म कर चुकी हूँ। और ये ग्रीन कलर है, देखिए आप कितना प्रिटी शेड है ये। अब ये ड्राई हो जाएगा तब मैं आपको फिर से दिखाऊंगी। मैंने वहाँ से कुछ लिपस्टिक भी बाय करी हैं, बहुत ही अच्छी क्वालिटी की हैं और अफोर्डेबल हैं, तो मैं दिखाती हूँ आपको। ये रहे, ये NYB के 2 लिपस्टिक्स हैं, ये 4 नंबर है। हाँ शेड नेम है इसका किंकी क्रिस्टन 4। जो हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट है ये एक और ब्लू लगून NYB का लाइनर है, जो मैंने अपनी सिस्टर्स के लिए ऑर्डर करा था, उन्हें बहुत अच्छा लगा ये शेड और ये प्रोडक्ट। और जो नेक्स्ट प्रोडक्ट्स हैं हमारे वो है ये लिपस्टिक्स, NYB की लिपस्टिक्स, लिक्विड लिपस्टिक्स। ये है NYB की कन्फेशंस ऑफ ए लिप प्राइमर प्लस मैट लिक्विड लिपस्टिक, और इसका शेड नंबर है 3 और शेड नेम है बॉन फायर। और ये दिखाती हूँ मैं आपको ये शेड कैसा है, फिर सेकंड दिखाऊंगी। हम इसकी पैकेजिंग की बात करें तो इसकी पैकेजिंग बहुत ही स्टर्डी है, बहुत अच्छी है, हाई एंड ब्रांड्स की जैसी इसकी पैकेजिंग है। ये आपको ट्रांसपेरेंट मिलेगा जिसमें आप इसका शेड देख सकते हैं, और ये सिल्वर कलर की कैप है, तो पैकेजिंग अच्छी खासी है और क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। मैं इसको एक बार यूज़ कर चुकी हूँ, मैं आपको इसका शेड दिखाती हूँ। ये देखिए पिंक कलर का शेड है, पिंक शेड है, बहुत ही प्यारा, बहुत ही प्रिटी शेड है, और ये मुझे लगता है सभी स्किन टोन पर अच्छे से जाएगा। तो जो हमारी सेकंड लिपस्टिक है NYB की वो है NYB रेड कार्पेट ड्रीम 13। नाम इसका रेड कार्पेट है, लेकिन ये रेड कहीं से भी नहीं है, ये एक न्यू काइंड ऑफ शेड है। दिखाती हूँ मैं आपको, तो इसका स्वेच मैं आपको दिखाती हूँ कि इसका शेड कैसा है, लगाने पे कैसा लगेगा। टेक्सचर इतना अच्छा है, एकदम मूज के जैसा, मतलब बटरी सॉफ्ट टेक्सचर है, मुझे तो काफी पसंद आई है। आप लोग ट्राई करना चाहें, अफोर्डेबल में लिक्विड लिपस्टिक बहुत ही अच्छी है। ये सेकंड वाला है रेड कार्पेट ड्रीम 13, और ऊपर वाला जो मैंने आपको पहले दिखाया था बॉनफायर 3। तो मुझे दोनों ही शेड बहुत अच्छे लगे, गॉर्जियस लगे। तो जो मैंने और भी लिपस्टिक्स मंगाई हैं वो हैं ये पर्पल की अल्ट्रा एचडी वेलवेट मैट लिपस्टिक, और शेड नेम है बंकिन कंपेनियन 10, और ये है अल्ट्रा एचडी वेलवेट मैट लिपस्टिक। जो दूसरी लिपस्टिक का शेड है कंसर्ट हाई कंपेनियन 8, तो मैं आपको इनके भी शेड दिखाती हूँ स्वेच करके। और हाँ ये ना बहुत अच्छी लॉन्ग लास्टिक लिपस्टिक्स हैं, बहुत ज्यादा देर तक टिकेंगी, और ना इन्हें ऑयल, मतलब ऑयल बेस्ड जो होते हैं ना हमारे मेकअप रिमूवर, उनसे ही रिमूव करना पड़ेगा। बैकग्राउंड नॉइस पे मत जाइए, घर में हूं तो ऐसी आवाजें आती ही रहेंगी। हाँ तो मैं आपको इनका टेक्सचर दिखाती हूँ और इनकी फिनिशिंग दिखाती हूँ, और ये लॉन्ग लास्टिंग है, लगाने में बहुत कंफर्टेबल है, शेड्स बहुत अच्छे हैं, और ये आपको डिस्काउंट में अच्छी खासी रेट में मिल जाएंगी। वैसे इनका प्राइस है, सॉरी प्राइस तो मैंने आपको बताया ही नहीं, $475, और सेल्फ लाइफ भी 2023 तक है। ये शेड है इसका, और जब ये सेटल डाउन हो जाएगी, तो ये जब ये ड्राई हो जाएगी, सेटल हो जाएगी, तो ये एकदम नॉन ट्रांसफर प्रूफ हो जाएगी। तो ये है क्रिंकी क्रिस्टन 4, तो मैं आपको इसका स्वेच करके दिखाती हूँ वन बाय वन। ये बहुत अच्छा पिंकिश, थोड़ा ग्लिटर भी है इसमें, ग्लिटरी सा है थोड़ा, बहुत अच्छा शेड है ये।
और ये सारी सारी तो नहीं, खैर मीडियम स्किन टोन पे सूट नहीं करेगा ये, फेयर से मीडियम स्किन टोन पर ये सूट करेगा, डस्की स्किन पे भी नहीं करेगा। और ये सॉफ्ट पिंक सा शेड है, देख सकते हैं आप। और जो सेकंड हमारा है एन वाई बेका लिपस्टिक, ये मुझे सारे जितने भी मैंने प्रोडक्ट्स खरीदे हैं ये मुझे सारे डिस्काउंट पे मिले हैं, तो मैं इनके जो बाय लिंक हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, अगर आपको पसंद आए तो आप वहाँ से कोई भी प्रोडक्ट अगर आपको अच्छा लगता है तो आप वहाँ से बाय कर सकते हैं, और अभी भी सेल चल रही है तो आप डिस्काउंट का लुत्फ उठा सकते हैं। और ये सेकेंड है एन वाई बेकी लिपस्टिक हमारी, शेड इसका इसका भी मोविश पिंकिश शेड है, सेवेज सलमा 5 इसका नेम है, शेड नेम। और ये रही हमारी लिपस्टिक, ये देखिए ये बुलेट लिपस्टिक है, स्मूथ है, अच्छी है डेली वियर के लिए, डेली यूज के लिए बहुत अच्छी है, डेली अप्लाई करने के लिए। और ये देखिए कितने प्रिटी शेड हैं, और जब ये ड्राई हो जाएंगे तब मैं आपको दिखाती हूँ ये अच्छे से सेटल हो जाएंगे, और ये स्मज प्रूफ है, ट्रांस प्रूफ है। तो जो हमारा सेकेंड प्रोडक्ट है लिपस्टिक हमारी हो चुकी हाँ, और जो हमारा सेकेंड प्रोडक्ट है वो है ये स्टेक वर्की का हाइलाइटर। मैंने वहाँ के हाइलाइटर कभी यूज़ नहीं किए हैं स्टेक वर्की के, मैंने लाइनर और लिपस्टिक्स नेल पेंट्स बहुत यूज़ करी हैं, तो मैंने सोचा ट्राई करा जाए। इसमें आपको बहुत सारे शेड्स मिल जाएंगे, तो ये चंकी नहीं है और बहुत ही सटल सा हाइलाइटर है, आप देखिए ये देखिए कितना प्रिटी है। इसमें और भी शेड्स हैं अवेलेबल, ये देखिए ऐसे स्टिक वाला क्रीमी हाइलाइटर है, तो अभी विंटर आ रहे हैं तो मैंने क्रीम बेस्ड हाइलाइटर इसलिए मंगा लिया ताकि ड्राई ना हो। और ये ऐसी पैकेजिंग में आता है ब्लैक कलर की मैट, और ये पीछे इसका ब्रश एक दिया हुआ है, मुझे तो ये हाइलाइटर बहुत अच्छा लगा, बाकी यूज करने के बाद पता चलेगा। हाँ, और शेड नेम है इसका गोल्डन R01। तो हमारा जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है ये स्टेक वर्की का बहुत ही ज्यादा फेमस है ये लिक्विड कंसीलर। इन सभी प्रोडक्ट्स के रेट मैं आपको इसलिए नहीं बता रही क्योंकि मैंने कुछ ना कुछ डिस्काउंट पे बाय करे हैं, वैसे ओरिजिनल रेट इसका जो है हाइलाइटर का वो है 449, और स्टेक वर्की का है ये आपको मीडियम रेंज में, बजट में, अफोर्डेबल रेंज में बहुत ही अच्छी क्वालिटी का लिक्विड कंसीलर रिसीव होगा, ये बहुत ही अच्छी अमेजिंग क्वालिटी का है। तो ये 229 रुपीज का है, और मैं आपको इसका शेड वेट दिखाती हूँ जो भी है, ये जीरो 03 इसका नंबर है, और शेड नेम भी होना चाहिए हाँ लाइट मोयन शेड नेम है। तो वहां से आप ये वाला ये वाला कंसीलर बार बार हाईलाइटर निकल रहा है मुंह से, अभी हाईलाइटर दिखाया था ना इसीलिए, ये वाला कंसीलर आप जरूर ट्राई करें, बहुत ही स्मूथ है, अच्छे से ग्लाइड हो जाता है, देखिए पता भी नहीं चलता, बहुत ही स्मूथ है, बहुत अच्छी कंसिस्टेंसी है इसकी। ये हो गया हमारा ये, और फिर नेक्स्ट प्रोडक्ट जो हमारा है वो है ये रोजिप का टोनर, गुड वाइब्स के टोनर बहुत अच्छे हैं, कम से कम मैं 6-7 बॉटल्स इनकी खत्म कर चुकी हूँ, मुझे इनके टोनर बहुत अच्छे लगते हैं, मेरे फेवरेट हैं। और गुड वाइब्स जो है बहुत अच्छा ब्रांड है, अफोर्डेबल है, उसकी स्किन केयर रेंज, हेयर केयर रेंज, जितने भी फेस मास्क हैं सब बहुत ही अच्छे हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं, नो पैराबेंस, नो एल्कोहल, क्रुएल्टी फ्री, नो सल्फेट्स, नो मिनरल ऑयल, नो एनिमल टेस्टिंग, बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट्स होते हैं, आप इन्हें जरूर ट्राई करें। और इसका टोनर बहुत ही अच्छा है, बहुत अफोर्डेबल है, तो ये रोज़िप का टोनर मैंने मंगाया। और रोज़िप की रेंज में से मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऑर्डर करे हैं, मैंने यूज़ भी करे हैं, उनकी फेस क्रीम, उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, तो आप इसके टोनर, सीरम, मतलब आप गुड वाइब्स कुछ भी ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा है, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, आपकी स्किन को अच्छे से सूट करेगा, और जो सेंसिटिव स्किन वाले हैं शायद उन्हें भी सूट करें, पर और ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकती क्योंकि मेरी कॉम्बिनेशन, पहले मेरी टीनेज में बहुत एक्सट्रीमली ऑयली स्किन थी, लेकिन अब कॉम्बिनेशन हो चुकी है गर्मियों में ऑयली और सर्दियों में ड्राई। ये रहा रोज़िप का जेल, तो मैं इनको आपको अलग से अच्छे से इनका रिव्यू दिखाऊंगी, यूज करके बताऊंगी। जेल तो मैं फर्स्ट टाइम यूज कर रही हूँ, फेस वॉश और टोनर, फेस क्रीम, मॉइस्चराइजर, ये सब मैंने यूज करा हुआ है, ये ऐसा है। और इतनी सारी शॉपिंग करने पर तो ये मुझे वहां पे ऑफर्स चलते रहते हैं, कुछ ना कुछ आपको गिफ्ट, फ्री गिफ्ट भी मिल सकता है, तो आप जरूर ट्राई करें। ये मुझे हैंड सैनिटाइजर फ्री मिला है,
ये सिर्फ एक एक जो मेरा एक पैर है, एक जो मेरा बॉक्स है उस पर मिला था। ये दूसरा बॉक्स है जो मैंने बॉडी बॉडी जेल और शावर जेल मंगाया, सॉरी बॉडी वॉश और शावर जेल मंगाया, ये उन पर नहीं आया है। मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए थोड़ा सा भी यूजफुल रहा हो, हेल्पफुल रहा हो, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अगर आपको मेरा वीडियो कंटेंट आ रहा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें और मेरे वीडियोस को ढेर सारा प्यार दें। मेरे वीडियो पे अच्छे अच्छे कमेंट्स, लाइक एंड उसे शेयर जरूर करें और जो नोटिफिकेशन बेल है उसे प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।